व्यवस्था विवरण अध्याय 22। व्यवस्था विवरण अध्याय 22। तू अपने भाई के गाय बैल व भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो व तू उसे न जानता हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको न ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। और उसके गधे व वस्त्र के विषय वरन उसकी कोई वस्तु क्यों न हो जो उसे खो गई हो और तुझको मिले, उसके विषय में भी ऐसा ही करना। तू देखी अनदेखी न करना। तू अपने भाई के गधे व बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों से सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। यदि वृक्ष व भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे, और उन बच्चों व अंडों पर उनकी माँ बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत माँ को न ले जाना। बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना, ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। अपने उड़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए कि इस स्त्री को मैंने ब्याहा, और जब उसने उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण न पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाए, और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वह उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह ये है। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चादर को फैलाए, तब नगर के सियाने लोग उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे और उस पर 100 शेकेल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इस्राएली कन्या की नामधराई की है और वह उसी की पत्नी बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डाले। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है, यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाए। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से दूर करना। यदि किसी कुंवारी कन्या के ब्याह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तू उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पत्थरवाह करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री की पतपानी ली है। इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात लगी हो मैदान में पाकर बरबस उससे कुकर्म करे,
तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए जिसने उससे कुकर्म किया हो, और उस कन्या से कुछ न करना। उस कन्या का पाप प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, वैसे ही यह बात भी ठहरेगी कि उस पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया और वह चिल्लाए तो सही, परंतु उसको कोई बचाने वाला न मिला। यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके ब्याह की बात न लगी हो और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाए, तो जिस पुरुष ने उसके साथ कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शेकेल रूपा दे और वह उसी की पत्नी हो, उसने उसकी पतपानी ली, इस कारण वह जीवन भर उसे न त्यागने पाए। कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री न बनाए, वह अपने पिता का ओढ़ना न उघारे।